हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज की हमारी रेसिपी है रेड चिली सॉस। अब हम घर पर भी ये मार्केट वाली सेम सॉस बना सकते हैं और बहुत ही इजी वे में बना सकते हैं। जब भी आपका मन करे, जब घर में कोई समोसा हो, कोई चाउमीन बनी और आपको सॉस दिखाई न दे, तो आप खुद से ये सॉस बना सकते हैं। और चलिए इसको बनाना अब हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने क्या लिया है ये मैं आपको बताती हूँ। मैंने यहाँ ली है लाल मिर्च, जो मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएंगी, या अदरक और कुछ लहसुन की कलियाँ। आप जितनी चाय सॉस बनाएं उसके अकॉर्डिंग ये मिर्च लें। अब इसमें हम एक गिलास पानी डाल देंगे। आपको कम लगे तो आप थोड़ा सा और भी डाल सकते हो। मैंने नॉर्मल ही पानी लिया है, आप चाहें तो गर्म पानी भी डाल सकते हो। मुझे थोड़ी सी जरूरत लगी तो मैंने इसमें और पानी डाल दिया है। इसको हम करीब 10 से 15 मिनट तक ऐसे ही भिगो के रख लेंगे। और इसके बाद हम अब एक बाउल लेंगे। उस बाउल को मैंने इस हीटर पे रख दिया है और इसमें अप्रोक्सीमेट 2 टेबलस्पून आप ऑयल चाहें तो डालेंगे। ऑयल की जगह घी भी ले सकते हो, जो आपको पसंद हो वही डालें। और इसका फ्लेम मैंने मीडियम ही कर दिया है। आप फुल करना चाहें तो आप फुल कर सकते हो। ऑयल गर्म होने के बाद इसमें कुछ लहसुन और अदरक के जो टुकड़े लिए थे उसको काट के डाल देंगे। और इसको 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे, हल्का ब्राउन होने तक, जिसकी अच्छी सी स्मेल आने लगे। इसको भूनने के बाद इसमें अब हम लाल मिर्च डाल लेंगे, जो हमने भिगो के रखी थी। इसको आप बहुत ही केयरफुली डालना, कहीं आपका हाथ न जल जाए। मैं बहुत ही आराम से डाल रही हूँ इसमें। और इसमें जो हमने मिर्च के अंदर पानी डाला था, भिगो के रखी थी, वही सेम पानी इसमें आप डाल सकते हो। यदि आप नहीं डालना चाहें तो आप दूसरा भी पानी ले सकते हो। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और करीब इसको 5 से 7 मिनट तक भूनेंगे फुल फ्लेम पे। अब इसमें 2 टेबलस्पून नमक डाल लेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके इसको हम ढक के रख देंगे 5 से 7 मिनट तक। और उसके बाद हम 2 टेबलस्पून चीनी डाल लेंगे। थोड़ा सा मीठा डालना इसमें ज़रूरी है, क्योंकि हम सॉस बना रहे हैं, वरना आपकी ज़्यादा तीखी बन जाएगी सॉस। आपको जितना पसंद आप उसी के अकॉर्डिंग डाल सकते हो मीठा। अब मैंने यह विनीगर लिया है। आपके पास विनीगर है तो आप ज़रूर डालें। बॉईल की मिर्ची को मैंने ग्राइंडिंग जार में डाल लिया है। इसको आराम आराम से डाल रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही गर्म है अभी। आप चाहें तो इसको ठंडा करके भी डाल सकते हो। आप एक बार ज़रूर ये सॉस अपने घर पर बना के देखना। इसमें डाल लिया है और इसको हम एक बार पीस चुके थे, और मैंने इसमें विनीगर डाल लिया है 2 टेबलस्पून। और इसको ढक के हम एक बार और पीस लेंगे। और पीसने के बाद ये देखिए कैसी आपको दिखाई दे रही है। जैसे मार्केट में सॉस मिलती है वैसे ही है, पर इसका और टेक्सचर हम चेंज करेंगे। मैंने एक छलनी ली है और छलनी के नीचे मैंने एक कांच का बाउल लगा लिया है। और इसमें डाल के हम सारी ये जो सॉस हमने तैयार की है इसको हम एक बार छान लेंगे, क्योंकि इसका जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है वो इसके ऊपर रह जाएगा और हमारी सॉस नीचे चली जाएगी। ये देखिए, इसको आप हल्के हाथ से ऐसे ही घुमाते रहें। और ये मैंने सारी सॉस इसमें बाउल में निकाल ली है। आप एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना। जब भी आपके घर पर समोसा, चाउमीन, कुछ भी ऐसा बनेगा जिसके साथ आप सॉस यूज़ करते हैं, तो आप ये आसानी से बना सकते हो। मार्केट में आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसको आप काफ़ी टाइम तक स्टोर भी कर सकते हो। जब भी आपका खाने का मन करे आप फ्रिज से निकाल के खा सकते हो। और हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।